हे गाइस, आज लेके आया हूँ मैं तुम लोगों के लिए एकदम जॉर्ड वाली मीम्स। चलो देखते हैं, सभी की सभी मीम्स बहुत ही खतरनाक है, तो चलो फटाफट देखते हैं। जी आप बताइए कि घर का जीरा कौन है? जीरा वो जो हर सब्जी में होता है, हाँ, लेकिन दिखता नहीं है, लेकिन इसके मायने बहुत होते हैं। जीरा कैन बी बाबू भैया, हर कॉन्वर्सेशन में होते हैं लेकिन दिखाई नहीं देते। सारी उम्र में जो कर जब पहन के आंग भाई, बाबू भैया पे ये गाना फिक्स हो गया है। बाबू भैया पर जोकर वाला गाना एकदम फिक्स कर दिया। और बाबू भैया ने बोला था कि मैं दिखाई नहीं देता कैमरा के सामने। क्यों बोलते हो भाई ऐसे ऐसी चीजें जो बाद में खुद ही पिल जाओ। जोकर से सीधा भाई को जीरा बना दिया मीम वालों ने। मच्छर मच्छर था। ला 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 क्या मतलब पैर छोट। मच्छर आएगा तो तुम क्या ला 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 चला दोगे क्या? चादर उड़ाओगे ला 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 ला। भगना आ गया तो ला 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 ला। क्या है क्या है ये? भाई झाटो सीरियल है इसलिए तो बंद हो गया। कैमरामैन भी लाइक मैडम जी फिर से कैमरा चालू करना भूल गया था। उधर ऑडियंस को भी मजा आ जाएगा, उधर कैमरामैन को भी मजा आ जाएगा, और एक्टिंग ऐसी करो कि चड्डी दिख जाए। एक ऐसी चीज है जो शिक्षक हमें बताते हैं लेकिन हम सीखते नहीं है, हम मानते नहीं है और बहुत गलतियां करते हैं। बढ़िया बढ़िया पढ़ाते हैं लेकिन कोई पीछे से लड़का कहता है शिक्षक को ये टालना, ये टालना चेने पूरी बड़ा सूड़ा उतार लिए। उस सर कोई बोलते इसलिए वो सर उधर धीरे से उड़ गए थे। और ये जो बच्चा बोल रहा था बेइज्जती तो नहीं करना चाहता लेकिन टप्पू के पापा दया बहन की आवाज लग रही है। लीजिए भैया अरे देख क्या रहे देख क्या रहे हो जल्दी करो देख क्या रहे हो हाँ मुंह क्या देख रहे हो जल्दी करो और डालो ना पांच पांच डालो दो। भाई वो सब तो ठीक है, उधर लड़की तो ऐसी खुश हो रही कि पूछो मत यार, मिल गया रोज का जुगाड़। लेकिन उधर वो लड़का है वो मेरे को खुश नहीं लग रहा है, ऐसे दुखी दुखी लग रहा है। जब जो बैकग्राउंड में लोग बज रहे हैं ना वो उनके कहने की वजह से ही प्रेशर में कर रहा है ये काम। तो भाई तुम भी ऐसे फटाक से कहीं पे भी मत घुस जाना वरना लेने के देने पड़ सकते हैं और ऐसी खुश किस्मत आपको भी मिल सकती है। लेकिन ये इतना मेरे को नहीं लगता कि अरेंज मैरिज करता तो इसको इतनी अच्छी मिल जाती। तुम लोगों को क्या लगता है इसी टेढ़े मुंह वाले के बारे में? तिवारी जी आपके लिए सवाल ये है कि सपोज अगर कानपुर में बाढ़ आ जाए और उस बाढ़ में आपकी अम्मा जी और आपकी बीवी दोनों बह रहे हैं उस बहाव में, तो पहले किसको बचाएंगे आप? बताइए किसको बचाएंगे आप? देखिए प्रसिद्ध हास्य कलाकार राजू जी ने कहा है अगर बाढ़ में अम्मा और बीवी दोनों बह रहे हो तो पहले अम्मा को बचाना चाहिए क्योंकि बीवी जवान है खूबसूरत है, वैसे ही बहुत सारी लौंडे नदियों में उतरी हैं। ये सब तो ठीक है लेकिन उधर विभूति पहले कूद जाता उसको बचाने के लिए और उधर अम्मा को नहीं बचा पाते, तो अम्मा के लिए भी उधर तैयार है रामपाल पंडित, समझ रहे हो, वो बचाने के लिए जरूर कूद जाता। और वैसे भी सब एक दूसरे के पीछे ही कूद रहे, सीरियली गिरा हुआ है। गुड नाइट अंकल। गुड नाइट बेटा। गुड नाइट।
अंकल। लाइफ को जीने का बेस्ट तरीका क्या है बेटा? लाइफ को जीने का बेस्ट तरीका सिर्फ न्यू एक्सपीरियंसेस। थैंक यू अंकल। पर वेट अंकल, कैसे न्यू एक्सपीरियंसेस? बच्चे हर तरह के न्यू एक्सपीरियंस होते हैं। कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं कि शुरू में दर्द हो पर बाद में मजा आने लगता है। थैंक यू अंकल। पर दर्द कैसे होगा भाई? दर्द कैसे होगा? भाई को पता चलने वाला है कि दर्द कैसे होने वाला है। अगर वो थोड़ा दूर से पूछता तो बच भी जाता है, लेकिन इसी के साथ में भाई धो चुके हैं अपनी गांड से हाथ। नवंबर के पहले दिन ही मुट्ठी मार दी भाई। तब तो भाई ट्रिपल NN चैलेंज खत्म। भाई NN चैलेंज वाले जो बंदे हैं, चलो जिसका नहीं हुआ उसका तो ठीक है, लेकिन नाइट फॉल हो जाए तो वो क्या करेंगे? NN चैलेंज तो चड्डी में मिलेगा सुबह में गिरा हुआ। डार्क साइड ऑफ निंजा। अच्छा तो ये बात है, अब अपनी आंखें बंद कर लो। शिशु मानो लेडी, मैं रेडी हूँ। मुँह में एक साथ डालने की निंजा टेक्निक। मम्मी, अरे बाय 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 बाय। मुँह में एक साथ डालने की निंजा टेक्निक, हथौड़ी की डार्क टेक्निक है ये। मुँह में देने की निंजा टेक्निक, गाप गुप गाप गुप। वाओ कितना अच्छा लग रहा है। हाँ, वो सफेद बादल आसमान में कितने अच्छे लग रहे हैं। काश हम उन पे सवारी कर सकते थे। ऐसा कुछ नहीं होता युमिको, असल में बादल पानी की भाप से बनते हैं और मुझे नहीं लगता वो सवारी के लायक होते हैं। अमारा तुम तो सच में बिल्कुल रोमांटिक नहीं हो। इसने तो एक पल में मेरा कचरा कर दिया। भाई ये है साइंस स्टूडेंट की बेइज्जती, सच्चाई दिखा दी भाई। यही होता है अगर जो ऐसे छपरे लौंडे होते हैं ना, हाँ तुम्हारे लिए चांद तारे, तो भाई वो उनसे ही पटती है वो लड़कियाँ, उनसे ही पटती है। अच्छा बनोगे तो मार ली जाएगी, तो तुम भी बोल दो हाँ उस पर बैठ के मजा आएगा, लेकिन तुम मेरे आगे बैठोगी। आप मेरा केक खा रहे हैं? वो ये चॉकलेट का है। वैसे पता नहीं भाई, ऐसे देखिए हम आपके जैसे इतने लकी नहीं है। मुझे डाइटिंग पे थोड़ा सा आई हैव टू कंट्रोल इट। इसलिए सलमान आज तक सिंगल है। चुप लवड़े बकचोदी मत करे। तो बस आज के लिए इतना ही। मैं भी जा रहा हूँ, मैं भी सिंगल हूँ, मैं भी जा रहा हूँ BGMI के चेयर पार्क में लड़कियाँ पटाने के लिए और अपनी सिंगल व्यवस्था को दूर करने के लिए। जो भी लौंडे आए थे लाइक एंड सब्सक्राइब ठोक दो।